हाय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं पांच बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में। इन पांच बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर से आप काफ़ी अच्छा माइलेज क्लेम कर सकते हैं। आए दिन पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के चलते इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर एक अच्छा ऑप्शन है लोगों के लिए, जो आपके पैसे भी बचाएगा और नॉइस और पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट भी क्रिएट करेगा। आज हम इस वीडियो में टॉप फाइव स्कूटर्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। फिफ्थ नंबर पर आता है बेनलिंग ऑरा इलेक्ट्रिक स्कूटर। इस स्कूटर का डिज़ाइन काफ़ी स्टाइलिश है। इसके अंदर 1200 वाट की BLDC मोटर लगी हुई है। इससे स्कूटर का पिकअप काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर आपको फ्रंट स्टोरेज स्पेस दिया जाता है, साथ ही आपको इसके अंदर पुश स्टार्ट स्टॉप बटन का फीचर्स मिलता है। वाटरप्रूफ BLDC मोटर मिलती है आपको इसके अंदर, जो काफ़ी अच्छा पावर जनरेट करती है। और आपको फ्रंट टायर में आपको डिस्क ब्रेक मिलती है। इसके अंदर आपको डिटैचेबल लिथियम आयन बैटरी मिलती है, जो 3 से 4 घंटे में चार्ज हो जाती है। और ये एक बार की फुल चार्जिंग पर आपको 120 किलोमीटर तक की रेंज देती है। इस स्कूटर में आपको पिलियंस के लिए साइड फुट रेस्ट मिलता है। और वहीं फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर आपको डिजिटल कंसोल मिलता है, डिजिटल मीटर, एंटी थेफ्ट अलार्म के साथ स्मार्ट ब्रेक, डाउन असिस्टेंट सिस्टम मिलता है। बेनलिंग ऑरा में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस मिलते हैं और आगे और पीछे साइड टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं। फ्रंट में आपको LED लाइट्स मिलती हैं, जो काफ़ी स्टाइलिश दिखती हैं। बेनलिंग ऑरा इलेक्ट्रिक स्कूटर की प्राइस 19,000 रुपीज़ है। और अब फोर्थ नंबर पर आती है प्योर EV ePluto 7G। ePluto 7G में आपको 22 वाट की ब्रूसलेस हब मोटर मिलती है। इसके अंदर ट्यूबलेस टायर के साथ एलॉय व्हील्स और आगे डिस्क ब्रेक, पीछे ड्रम ब्रेक्स मिलती है। इसके अंदर आपको 60 वोल्ट की लिथियम आयन बैटरी मिलती है, जो एक बार की चार्जिंग पर आपको 90 किलोमीटर से लेकर 120 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड करती है। इसके अंदर आपको LED लाइट्स, LED टेल लाइट, LED साइड टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं। और इस स्कूटर की अच्छी बात यह है कि आप किसी बैटरी को निकाल कर घर पर चार्ज भी कर सकते हैं, उसके बाद आप उसके अंदर रख सकते हैं दोबारा से। और इसके ऑन रोड प्राइस की बात करूँ तो ये है 72,000 रुपीज। थर्ड नंबर पर आती है TVS iQube। TVS iQube में आपको 4400 वाट की मोटर मिलती है। इसमें आपको 4400 वाट की BLDC मोटर मिलती है, जो 5.98 PS की पावर जनरेट करती है। इसके अंदर आपको फ्रंट और रिवर्स मोड का ऑप्शन मिलता है। जैसे आप फ्रंट मोड में चलते हैं गाड़ी तो आगे चलती है, और जैसे आप रिवर्स मोड में क्लिक करते हैं तो गाड़ी पीछे चलने लग जाती है। इसे आप आसानी से रिवर्स कर सकते हैं। इसमें आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जिसके अंदर ब्लूटूथ, जिसमें आपको ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर और भी कई इन्फॉर्मेशन दिखाई जाती है। इसके अंदर आपको नेविगेशन सिस्टम मिलता है, साथ ही आपको ब्लूटूथ के थ्रू इस डिवाइस को आप अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट कर सकते हैं। इस स्कूटर को आप सिंगल चार्ज में 75 किलोमीटर तक रन कर सकते हैं। लगभग 5 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है TVS iQube की बैटरी। इसके अंदर आपको LED लाइट्स मिलती हैं। इसके प्राइस की बात करूँ तो 1,15,000 रुपये इसकी ऑन रोड प्राइस है। और अब सेकंड नंबर की बात करूँ तो यहाँ पर आती है बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर। जी हाँ दोस्तों, बजाज चेतक एक नए अवतार में इलेक्ट्रिक स्कूटर को पेश कर रही है। इसके अंदर 4080 वॉट की BLDC मोटर दी गई है। इसके अंदर आपको लिथियम आयन बैटरी मिलती है, जो 5 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है और आपको 95 किलोमीटर तक की रेंज देती है एक बार की फुल चार्जिंग पर। इसके अंदर आपको फ्रंट और रियर में LED लाइट्स मिलती हैं, जो ऑन होने पर काफ़ी खूबसूरत दिखती हैं। इसमें आपको एलॉय व्हील्स के साथ ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं। आगे डिस्क ब्रेक, पीछे ड्रम ब्रेक्स मिलती है टॉप एंड वेरियंट में। काफ़ी स्टाइलिश लुक मिलता है आपको बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर का। कंफर्टेबिलिटी के मामले में बजाज चेतक नंबर एक पर आता है। इसके अंदर आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। इसका प्राइस है 1,20,000 रुपये। और नंबर वन पर आती है एथर 450X इलेक्ट्रिक स्कूटर। इसकी बेहतरीन स्पीड और इसके फीचर्स के तौर पर हमने इसे नंबर एक पर रखा है। अगर आप पेट्रोल बाइक और स्कूटर के दीवाने हैं तो एथर 450X आपकी दीवानगी को और बढ़ा देगा। इन पांच स्कूटर्स में एथर 450X की स्पीड सबसे ज़्यादा है। इसके अंदर आपको PMSM हब मोटर मिलती है, जो काफ़ी अच्छा पिकअप प्रोवाइड करती है। इसके अंदर आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और स्नैपड्रैगन 212 प्रोसेसर,
के साथ लिथियम आयन बैटरी मिलती है। ये बैटरी फुल चार्ज होने में लगभग 4 घंटे का समय लेती है और एक बार की फुल चार्जिंग में लगभग 75 किलोमीटर तक की रेंज मिलती है। थैंक यू फ्रेंड्स।